स्मॉल कर्सिव लेटर ए सीखेंगे, तो उसके आगे हम लोग जो फॉलोइंग लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ए बनाने के लिए आपको पूरा कर्सिव का ही उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप हाफ सेमी कर्व लेंगे पहले और पूरा उसे राउंड लेते हुए नीचे से फिर एक उसका डायरेक्शन देंगे। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट लेटर बी। बी के लिए एक ऊपर लेके जाना है लाइन, देन कर्व के साथ उसको नीचे लाके अप करना है। नेक्स्ट लेटर आता है सी, जो कि हाफ सेमी सर्कल के बेस पे होता है और उसे हाफ कर्व करना है नीचे से। डी के लिए जाएं तो डी का फॉर्म भी इस तरीके से होता है, जिसमें हाफ कर्व लेके नीचे जाके डाउन जाना है। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट लेटर ई। ई भी सेमी सर्कल के रूप में ही बनता है। नेक्स्ट लेटर इज एफ। एफ थोड़ा टिपिकल होता है बच्चों को बनाने के लिए, बट देन ऑल्सो इफ यू आर हैविंग अ फ्लो राइटिंग तो आपको वो ईजिली आएगा। नेक्स्ट लेटर वी आर गोइंग टू इज जी। जी हाफ सेमी सर्कल लेके पूरा एक सर्कल कवर करके डाउन साइड लाके फिर अप साइड में आपको उसको लेके जाना है। नेक्स्ट लेटर इज एच। एच के आपको पहले अप साइड लेके जाना है, फिर डाउन लाना है, फिर हाफ उसमें करके अप साइड जाना है। देन नेक्स्ट लेटर इज आई। आई के लिए अप एंड देन डाउन एंड देन अ स्मॉल डॉट। जे के लिए भी सेम प्रोसीजर है, अप फिर डाउन में थोड़ा लंबा आते हैं इसमें रेड लाइन को टच करते हुए एंड अप में जाते हैं। के लिए हमें ऊपर जाके नीचे आना है, देन फॉर्म करके फिर इसे ऊपर लाइन करते हैं। एल के लिए ऊपर जाके स्लाइड नीचे लाना है, इसमें कोई और फॉर्मेशन नहीं है। एम के लिए हमको ये फॉर्मेशन यूज करना होगा एंड एन के लिए हमारा फॉर्मेशन ये रहेगा। O के लिए हमारा फॉर्मेशन ये रहेगा और P के लिए हमारा फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार जाएगा। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट लेटर Q। Q के लिए हमको G के फॉर्म में ही जाना है, बस ऊपर राउंड में ना लेके जाके इसे पॉइंटेड कर देते हैं स्ट्रेट स्लैंटिंग में, सॉरी। देन R, दिस इज ऑल्सो अ टिपिकल लेटर फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज S, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस। फिर टी के लिए जाते हैं, ये भी एल की तरह ही बनती है, बस इसे बीच में लाइन होती है। नेक्स्ट लेटर दैट इज यू। और वी के लिए जाते हैं तो ये पॉइंटेड रहती है एज कंपेरिजन टू यू। डब्ल्यू के लिए हमारे फॉर्मेशन ये रहते हैं। एक्स के लिए बिल्कुल नीचे से जाके राउंड लेते हैं। देन नेक्स्ट लेटर इज वाई। This is Y and this is Z.